जानू आप मौज क्यों बैठे हुए हैं? नहीं बेगम, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इतना सोच क्यों रहे हो जानू? बेगम मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास पहले भी दो बेटी हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह ताला हमें बेटी देता है या बेटा देता है। इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पे हमें यकीन रखना चाहिए बस। ओ, 9 बज गए हैं बेगम, तो मैं फिर ड्यूटी पे जा रहा हूँ। जी ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए। जी ठीक है बेगम, खाना तैयार है? जी जी, मैंने आपका खाना पैक कर। चलो ठीक है। अच्छा जी बात सुनिए। ओहो जानू, कितनी दफा तो मना किया कि पीछे से बात ना दिया करो। हाँ बोलो, और क्या मसला है? वो मैंने आपसे पूछा था कि मैं अल्ट्रासाउंड के लिए चली जाऊँ। हाँ हाँ तो चली जाओ ना। चलो थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है, लाजमी पूछ कर आना कि ये बेटी है या बेटा है। आप बस अल्लाह पे भरोसा करें और दुआ कीजिए। ओहो मैं जो आपको कह रहा हूँ ना बस वैसे होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आपकी। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपने चेकअप किया है, तो आप मुझे बताएं कि बेबी कैसे है? अच्छा मैडम, बच्चा बिल्कुल ठीक है और जो है ना आपके डिलीवरी के एलियंस भी करीब हैं और आपको कभी भी पेन स्टार्ट हो सकती है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, आपने वो इस्तेमाल करनी है, और कोई भी मसला हो तो आपने ज़रूर रब्ता करना है, ठीक है? और इस पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, तो आपने फौरी कॉल करके मुझसे बात कर लेनी, ठीक है ना? डॉक्टर साहब इफ़ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब से पूछना कि जेंडर बेटा है या बेटी। इफ यू डोंट माइंड प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं मैडम, लेकिन अगर आप ज़्यादा जिद कर रही हैं तो आपको बता देते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत है जो है ना, जेंडर जो है वो फीमेल में है, ठीक है? आप बैठे। अच्छा आप बैठे, में पानी लेके आई। ओके ठीक है बेगम, ले आओ। ये ले पानी पीजिए, ये ले पानी पीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा बेगम, डॉक्टर से पूछा था बेटी है कि बेटा? जी मैंने डॉक्टर से पूछा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने कुछ बताया नहीं। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। चले फिर मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, तो मेडिसिन यहाँ से ले लेना, अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। जी ठीक, मैं मेडिसिन टाइम पे ले लूँगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हैव ए सीट, रिसीव, बैठो प्लीज। थैंक यू सर। और सीट सब ठीक है? ठीक सर, बहुत अल्लाह का करम। अच्छा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी कि मैंने आपकी हार्ड वर्किंग से बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। आपने जो मेहनत की हमारी फर्म के लिए, इट्स वेरी गुड, तो आपके लिए खुशी की बात भी है। मैं आपकी सुपरवाइज़र की जॉब से आपको प्रमोट करता हूँ और इस फर्म का एडमिन वर्क करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट इन फ्यूचर अच्छा काम करोगे, ऐसे ही मेहनत करोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर लवली वर्क। थैंक यू सर। It's okay. I think I am feeling pain. I need to call my husband. Just a second. Hello. Hello. Janu, mil tabiyat
खराब हो रही है, कोशिश करो जल्दी घर आ जाओ प्लीज। बेगम परेशान ना हो, मैं भी आया। परेशान नहीं होना, मैं भी आया। सर घर से कॉल आई मुझे, तो बेगम की तबीयत बहुत खराब है, तो मैंने इमरजेंसी घर जाना है। ओके रशीद साहब, आप जा सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके जी, और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक आपने मुझे कॉल कर दी। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम रशीद जी। ये पेशेंट के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब, मैं साथ हूँ। आप बेबी के पापा हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं बेबी का पापा। अच्छा, चलो मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको रहमत से नवाजा है। क्या हुआ, आप मायूस क्यों हो रहे हैं इतने? डॉक्टर साहब क्या बताऊँ आपको, क्या सोच रहे हैं? सोच तो मैं ये रहा हूँ, पहले भी हमारे यहाँ दो बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी बेटी अदा की है। हाँ तो कोई बात नहीं यार, आपको तो राजी होना चाहिए, अल्लाह ने आपको रहमत से नवाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास तीन बेटियां होती है ना, अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कि जिसके पास दो बेटियां हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उन पर भी जो है ना जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो भाई अगर अल्लाह बेटी अता फरमाए ना, रहमत अता फरमाए, तो उसके रहमत का शुक्र अदा किया करो। और अगर अल्लाह नेमत, अगर बेटा यानी कि अल्लाह नेमत अता फरमाए, तो उसकी नेमत का जो है आप शुक्र अदा करो। ठीक है ना भाई, इसमें मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको बेटे से भी नवाजेगा इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी, अल्लाह आपको बेटे से भी नवाजेगा। ओके डॉक्टर, ठीक है ना। हाँ ठीक, चलो अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इसलिए कि अभी शाम का टाइम है, तो आज हमारे शॉर्ट स्टोरी का मौजू था बेटियाँ, बेटी की अहमियत और अजमत के बारे में। डॉक्टर साहब आप कुछ बताइए। जी शुक्रिया दायर भाई। हाँ बेटी के बारे में, बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है, अगर बेटी बुरी होती तो अल्लाह सुभान व तआला आका अलैहिस्सलाम को चार बेटियाँ अता ना फरमाता। तो भाई बेटियों जब अल्लाह आपको दे तो मायूस ना हुआ करे, अल्लाह आपको बेटा भी अता करेगा। हमारे स्टोरी का यही मकसद था। शुक्रिया ताहिर भाई, शुक्रिया रशीद कलंदरी साहब और मूसा भाई और हमारे प्यारे भाई कुर्बान साहब जो कैमरा मैन है वो हमारे साथ मामून करते हैं। तो तुम्हारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ साथ देते हैं। इंशाल्लाह अगले क्लिप के साथ हम न्यू स्टोरी लेंगे।